गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ओपन योर बंस टर्म वन बुक, पेज नंबर 15. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड राइट द अल्फाबेट्स वाई एंड जेड. तो वाई फॉर क्या होता है, हम आज पढ़ना और लिखना सीखेंगे. ओके, वाई फॉर क्या होता है, या वाई ए के, या वाई ओ वाई ओ यो यो, है ना. वाई फॉर क्या होता है, या वाई फॉर यो यो, और वाई फॉर यॉट भी होता है ना, वाई ए टी सी एच. और जेड फॉर, जेड फॉर जेब्रा, जेड ई बी आर ए जेब्रा. जेड फॉर जीप, जेड आई पी जीप. तो हम कॉपी में पहले लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहले यहाँ क्लास वर्क, फिर डेट डालेंगे आज का. ओके, फिर वाई, वाई फॉर एक इसका पिक्चर है यो यो. तो कैसे लिखेंगे देखिए, पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन, ये ऐसे टू लाइन में स्लैंटिंग लाइन, ये फिर ये थ्री लाइन में. ओके, वाई फॉर यो यो, वाई फॉर यो यो, इस तरीके से आपको लिखने जाना है. ओके, साउंड करके. फिर जेड फॉर जीप, जेड फॉर, जेड फॉर जीप, जेड फॉर जेब्रा, ऐसे साउंड करते हुए आपको लिखना है. ओके, ये हो गया आपका कॉपी में क्लास वर्क और बुक में क्लास वर्क. बुक में आपका ये होमवर्क रहेगा. ओके, और कॉपी में आपका होमवर्क इस तरीके से रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. आपको इसे कितने टाइम लिखना है, टू टाइम्स. ओके, ये दी हूँ तो ये हो गया आपका वन टाइम. तो आपको इसके नीचे ही लिखना है ए, ऐसे करके आपको लिखना है ना, राइट टू टाइम्स. होमवर्क है आपका, राइट टू टाइम्स कॉपी में ही लिखना है, है ना. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. ओके, थैंक यू.